नमस्कार फ्रेंड्स, नेशनल एजुकेशन कमेटी NACK EPS 95 पेंशनर्स बचाओ राष्ट्रीय व्यापी अभियान अंतर्गत EPS 95 पेंशनर्स द्वारा विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्वालियर मध्य प्रदेश में दिनांक 7 मार्च 2022 को संपन्न हुआ EPS 95 पेंशन द्वारा विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के सभी बड़े नेताओं की उपस्थिति, मध्य प्रदेश के प्रांतीय सचिव श्री महेश सातोड़िया, प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री रघुराज सिंह भदौरिया व श्री देवीचरण झा, प्रांतीय संगठन सचिव श्री राजेश सिंह तोमर, चंबल संभाग के अध्यक्ष श्री रणवीर सिंह यादव। जी हाँ फ्रेंड्स, भिंड के जिला अध्यक्ष श्री बी के बोरा, मुरैना के जिला अध्यक्ष एंड श्री रामवीर शर्मा, वरिष्ठ नेता रामसिया दंडोड़िया जी व श्री राधेश्याम शर्मा की उपस्थिति में मार्गदर्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, पेंशनर्स के नारों से गूंजा EPF कार्यालय क्षेत्र। समिति नई, इंसाफ चाहिए और समय पर न्याय चाहिए। कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, NSC चीफ कमांडर अशोक रावत जी के निर्देशन अनुसार राष्ट्रीय महासचिव की विशेष उपस्थिति व मार्गदर्शन श्री रणवीर सिंह यादव, श्री बी के बोरे ने अपने प्रभावशाली भाषण में पेंशनर्स की ओर से गर्जना करते हुए कहा कि अब EPFO की अंतिम अल्टीमेटम दिया जाए। हम चंबल क्षेत्र के सदस्य किसी भी प्रकार के बलिदान को तैयार है। जी हाँ फ्रेंड्स, माननीय भविष्य निधि आयुक्त श्री अजय यादव ने पेंशनर्स के बीच आकर स्वीकारा ज्ञापन की वह पेंशनर्स के प्रतिनिधियों से चर्चा, पेंशनर्स की भावनाओं को वरिष्ठ तक शीघ्रता तक पहुंचाने के लिए दिया। RPMC महोदय ने आश्वासन ज्ञातव्य हो कि NSC भिंड टीम ने बुलढाणा आंदोलन के सपोर्ट में 65 दिन तक कर्मी का आंदोलन किया था और जिसे बाद में जिला प्रशासन के अनुरोध पर वह सांसद भिंड की अपील पर वापस ले लिया गया था। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इंदौर पर टीम को सशक्त नमन। तो फ्रेंड, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब।